सो ऑफलाइन जो है मैंने मतलब सारे इंचमेंट की आप देख सकते हो सकता है कुछ इंचमेंट चेंज हो जाएगा। मैंने सारे इंचमेंट चेंज की थी, उल्टा अपने आर्मर को भी मैंने दोबारा ही ठीक ठाक बनाया था तबाही सा। और मुझे अच्छा तो मेरे टास्क मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि मैं फिशिंग करेंगे, लेकिन आपको तो पता है जो मैं बोलता हूँ वो होता नहीं है। सो अब आज फिशिंग नहीं करने वाले हम, जो है आज जाने वाले हैं वेदर स्केल्टन के स्कल्स इकट्ठा करना, और मैं अपने डायमंड के स्वॉर्ड ही लेके जाने वाला हूँ। आई थिंक इट विल बी यूजफुल क्योंकि इसमें वो है आई मीन एफिशिएंसी 4 डाली, फॉर्चून 1 भी डाली, मतलब काम किया है मैंने अच्छा खासा। और मेरी सेकंड पिकर से इधर होगी नाइस एफिशिएंसी, और आई थिंक मेरी जो ये वाली है यहाँ पर मैंने एक पिया रखी थी तबाही वाली, ये जो एफिशिएंसी 2 तीन ले लो एफिशिएंसी 2 नाइस। अच्छा हमें जी याद आया मैं ख़रीद की तो लाया था शार्पनेस 2 अनब्रेकिंग, लेकिन अभी कदम इतना काम किया एक्सपी देखो 0 बची है अब मेरे पास, खैर कोई बात ही नहीं है। और ये मतलब अगर मैं सारी वो एफिशिएंसी 2 वाली घुमलाऊँगा ना तो उसकी एफिशिएंसी 4 बन जाए। और बाकी जो है मेरे पास ये एक्स है और मैंने उसका नाम चेंज करके रखा है दैट्स रेन से टाटा बाय बाय, जो उसके सामने आएगा उसके लिए टाटा बाय बाय हो जाएगी। और एक्स का आई डोंट थिंक वहाँ पर कुछ काम होने वाला है, दैट्स अपनी एक्स भी वापस ही रखने वाला हूँ ठीक है। और शवल का भी मेरे हिसाब से कोई काम नहीं होने वाला, सिर्फ फूड सोर्स की जरूरत होती है वहाँ। बीफ लेके जाते हैं हम इतने ख्याल से, और किसी चीज़ की ज़रूरत है मुझे आपके हिसाब से आप ख़ुद बताओ। मेरे ख्याल से अरे मैं ये चीज़ तो करना ही भूल गया अपना आर्मर, ये आर्मर को जल्दी घटिया नहीं हो जाएगा, बस मैं अपनी दोनों मैन मैन चीज़ें चेंज कर लेता हूँ। बाकी वो वाले आर्मर को रहने देता डायमंड का ताकि थोड़ी अच्छी प्रोटेक्शन तो मिली हमें। ओके गाइस ओह नो मैं अपने डायमंड के ये वाले स्वॉर्ड को क्या चीज़ें रख रहा हूँ भाई, खाना मारा है वो, ये लो सर जी पकड़ो अपने स्वॉर्ड ठीक है। सो हम जो इकट्ठा करने वाले वेदर स्केलेटन स्कल्स, और फिर हमें आई मीन प्रिपरेशन भी करनी है ताकि हम उस वेदर की ऐसे की तैसे कर सकें, क्योंकि जी हाँ गाइस हम वेदर से जल्द ही लड़ने वाले हैं, फ्रंट रेंज भी ऐसे की तैसे करने जाने वाले हैं। मतलब मैं बो से ही लाया, क्या हुआ ये मेरी बो क्यों गायब हो गई, वैसे मेरी बो गायब है गाइस मेरे हाथ से देखो। पत्नी सारी लूट कहाँ से आई यार, ये देखो गन पाउडर मतलब चीज़ें घूमनी होती हैं। ओके इधर आओ सर जी अंडर बन, आपको थोड़ी सी मार खिलानी है मुझे। ओ भाई स्लो सर पर तो ज़्यादा सी आई थिंक मैं गया नहीं अंडर बन के बस की नहीं और आना दिमाग खराब करना मेरी भाई, कितना लैग कर रहा है यार, इतना भी लैग नहीं करते जनाब, कोई भड़क गया नहीं दिमाग ख़राब नहीं करो सर जी। अब टेलीपोर्ट होता रहेगा और नाइस मर भैया, खैर चलो 1 एक्सपीरियंस तो हुआ, लेकिन अभी मेरा सारे के सारे एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता, मुझे मार पड़ रही है। कौन मार कौन रहा है वैसे मुझे, खैर क्या इस चीज़ को छोड़ो, हमें ये देखना है वो रास्ता, और वो रास्ता मैं जब मार सकता हूँ आई डोंट थिंक मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ेगी। फूड 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 का जल्दी इसमें यार माइनक्राफ्ट जावा की तरह हेल्थ क्यों नहीं बढ़ती जल्दी जल्दी, जैसे माइनक्राफ्ट जावा में फॉर्म वॉर्म बढ़ जाती है इसमें क्यों नहीं बढ़ती यार ऐसे। ये अगर आपको इस बात का आंसर पता तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मैं ब्लॉग्स आना फिर से भूल गया, और पता नहीं ये कुछ ज़्यादा ही लैग कर रहा है यार नज़र में, डिवाइस हल्की है मेरी भी, डिवाइस अच्छी आएगी ना गाइस फिर बताएंगे हम। और हियर वी आर गोइंग अप, आई थिंक मैं क्या कह रहा था कि मुझे शवल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, मुझे याद आ रहा है काश मैं शवल ले ही लेता।
सेंसिटिविटी ओके लैग कम हुआ। ये देखा इस कॉबल स्टोन, सो हमें नीचे तोड़ के जाने वाले हैं ऊपर। बहुत दिमाग ख़राब कर रही है ये घास। चलो सर जी टाटा बाय बाय कर देते हैं हम आपकी भी। वो भी सर आपकी टाटा बाय बाय। सारी जगह की ऐसी की तैसी कर दी इसने, आराम से अपना काम करा था, नहीं करने ही देना मुझे। नाइस, ये तोड़े गए इस अच्छे खासे ब्लॉक्स, कलेक्ट कर ले यार। नाइस, जैसा कि मेरा अंदाजा था। साइड रोड कहाँ गई? मुझे डैमेज इसने मारा यार, क्या हो क्या रहा है आज के इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। फाइनली गाइस वी आर इन द फोरेस्ट और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। काश मैं टॉर्चेस लाया होता। छुपना नहीं है गाइस, क्योंकि हम किसी से डरते हैं नहीं। टट्टा बाय बाय, हमारे पास अभी उनके टट्टा होगा, बाय बाय कर देते हैं। ये मारा, क्या हो गया यार, इतना ही लैग क्यों कर रहा है? कुछ ज़्यादा ही लैग नहीं कर रहा गाइस? पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ही लैग कर रहा है। इतना लैग में माइनक्राफ्ट खेलना बहुत मुश्किल है। नाइस एक्सपीरियंस था भाई। घास्ट की आवाज़ आ रही, लेकिन वो यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जल्दी जल्दी तेज से भागो। ऊपर एक्सपीरियंस पड़ा है या हमारी मौत पड़ी है? ओके लाइफ, जो सोचा था ना वो निकला, ना कुछ और निकला। जो सोचा था ना वो निकला, ना कुछ और निकला। यार वेदर स्केटर्स कल ढूंढने आया हूँ, एक स्लेटन ही तो मिल जाओ मेरी वाहिया शायरी के लिए। ना करना तुम लाइक, और मैं बोल रहा हूँ झूठ, करना तुम लाइक। इस बात पर कैसे लाइक कर दो यार, इस घटिया की शायरी, घटिया सी शायरी के लिए ना। भागो भाई, थोड़ा तेज़ चल ले प्लीज़। पिछले बार तो आई थिंक हमने ये एरिया एक्सप्लोर नहीं किया था, हम डायरेक्ट वहीं पे चल लेते कि हम रात पहुँचता ना भूल जाए। ये थी बात। यहाँ का तो एरिया ही बंद है, फिर मैं क्यों जा रहा हूँ आगे? जब एरिया बंद है तो फिर मैं क्यों जा रहा हूँ यार? क्या ही अलग बातें कर रहा हूँ मैं, और मैं क्या ही अलग काम कर रहा हूँ यहाँ पे? काश यार मेरे पास कोई पोशन हो सकता, नाइट विजन का पोशन मतलब बनता कैसे? वैसे तो मुझे भी नहीं पता कि वैसे बनता कैसे, मतलब मुझे पता है लेकिन अभी दिमाग में आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। इट्स नॉट माई फॉल्ट। एंड चल ले भाई, थोड़ी स्पीड बढ़ा ले, मर मर के कदमों पर चल रहा है। थोड़ा तेज प्लीज़। एक विदर स्केल्टन मिल जा भाई, एक, जस्ट वन। पिछले हफ्ते में दुनिया भर के मिले थे जब चाहिए नहीं थे, अब चाहिए तो मिल ही नहीं रहे। ओ चेस्ट, आई थिंक लूटेड ही होगी ऑब्वियसली। मैं पिछले एपिसोड में क्या, पिछले नहीं लेकिन अच्छे खासे, हाँ प्रीवियस एपिसोड में क्या करने आया था यहाँ पे? यार एक भी नहीं मिल रहा, ये क्या मजाक है यार, क्या ही पंगा है यार। एक तो मिल जा प्लीज़, एक तो मिल जा, दिन कितनी मेहनत करूँ मैं, एक तो मिल जा भाई। हुफ, एक भी नहीं मिल रहा भाई, अब मेरा गुस्सा आ रहा है अब यार एक मिल जा। ओ, लेकिन सर जी आप इस वॉर्ड के सामने नहीं टिक सकती, ये टिकती होगा ना। हाँ चलो, हेलो मैडम जी। ओ मैं टॉर्च लगाई पर क्या रिस्पॉन्स होगा, खैर हमारा क्या जाता है, लेकिन पता नहीं है मुझे गुस्सा आने लग गया है, गुस्सा आ रहा है मुझे, ठीक है, गुस्सा समझ रहे हो मेरा गुस्सा। सो जिस कर लो की तलाश है वो तो मिल नहीं रहा, उसके भाई मिले जा रहे पागल वाले। सर टाटा बाय बाय ना आपकी, चलो टाटा बाय बाय। अबे ओ ओ ओ हो ओ हो ओ, ये क्या हुआ?
सॉरी, लगता है आपको भी टाटा बाय बाय करनी पड़े। नो, मैं फिर चला। मैं मरा ही मरा। आई थिंक आई शुड गो फ्रॉम हियर और आई विल डाई। थिंक दिस फूड, अरे फूड। ओह नाइस सर जी, आप ही की तो तलाश थी मुझे। बहुत ही बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ओह दे ही दिया आखिर इसने। जैसे जी मेरे स्क्वाड में नॉक बैक है, इसने पहले ही जाके इतना खतरे डैमेज पड़ गया इस स्क्वाड का, तो ये उड़ते हुए गया। सो आई मीन इसको फॉल डैमेज भी पड़ा दिया। कहाँ कदमों के में जाके एक को मिला, उसने भी ड्रॉप ही ना किया। नहीं फिर फ़ायदा किस चीज़ का है भाई, यही बता दो मुझे। मैं भाई HP जनरेट ही नहीं हो रही फुल, आई मीन बढ़ ही नहीं रही। और ये कुछ न्यू एरिया नहीं है? ओ सर जी, ये मेरी आई मीन स्पेस बन गई जहाँ से मैं आपको मार सकूँ। इधर आओ ना, चलो बाय बाय। ओ, मैं मरा ही मरा। खाना 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 खाओ। लैग बहुत कर रहा है, मानना पड़ेगा। जो खाने ही नहीं खा रहा पूरा। ओके नाइस, इसने भी नहीं दी। यहाँ पे कोई है? खासी HP हो गई हमारी। सो दैट्स आई थिंक जाना चाहिए। देयर इज नो वन, पता नहीं यार गाइस, तो इतना लैग कर रहा है ना मेरा, पता नहीं यार। गाइस हल्के डिवाइस डिवाइस भी चेंज करनी है मुझे। ये अब सबको ज़्यादा बोरिंग बन रहा है, मानना पड़ेगा। पूरी प्रिपरेशन के साथ भी तो नहीं आया ना यहाँ पे। टॉर्च वॉर्चेस लेके आता मैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये डिवाइस भाई सही नहीं चल रही मेरी, कुछ ज़्यादा ही लैगी कर रही है। फायर प्रोटेक्शन तो है पर मुझे फायर करता तगड़ा डैमेज क्यों मिल रहा था भाई। हेलो एक्सक्यूज मी। ओ, बाहर बाहर हैं। वॉट भाई, इतना ज़्यादा ही लैग कर रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या। अरे भागो, वो सामने स्पॉन हो गया हर जगह। ये लगाओ। ओके शील्ड सेव्स मी नाउ, नो वन कैन सेव यू यू। अरे क्या, पहले मैंने मारा था भाई। भाई मैं सोच रहा हूँ ये है माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड जादुई। आई शुड गो फ्रॉम हेयर, कोई दूसरे फिर कभी ढूंढेंगे नदर फोर्ट्रेस। ठीक है गाइस, मुझे आई मीन आपको भी एक सच्ची बात बताता हूँ। मैं ऐसे ही ना, अरे क्या हो रहा है यार, मैं ऐसे भी घूम रहा था, मुझे मिल गए दुनिया भर के वेदर स्केलेटन्स। वो लोग आपको सामने तो कुछ नज़र ही आ रहे होंगे। एंड ये देखो ये रहे, ये नीचे क्या कर रहे हैं सारे? वैसे मेरे लिए आसानी कर दी इन्होंने। हेलो हेलो, कैसा लग रहा है? कैसा कैसा लग रहा है रे बाबा। तो गाइस हम घुसने वाले हैं नीचे, और अब मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत किया। अभी तक जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरी HP कुछ ज़्यादा ही कम है। HP हो जाए रिजनरेट, ऑफ ये ख़त्म हुआ और मुझे विदर स्केलेटन स्किल मिले। दो दो मिल गए भाई, कमाल हो गया भाई। बस बाय 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 टाटा सी यू सर जी लेटर। और अच्छी खासी चीज़ें ड्रॉप कर दी भाई साहब, मक्खन जिंदगी। अब मज़ा आ रहा है, मतलब अब थोड़ा सुकून मिला बस।
कुछ को और मारना है मुझे, ये नाइस, एक को मैंने सामने भी देखा था, सो लेट्स सी क्या हो सकता है। ओ दो दो है, नाइस। हेलो सर जी, कैसा लग रहा है? आ जाओ लूटिंग से मारेंगे ना। अब भाई यार ये लोग एक तो हमेशा दे ही देते हैं भाई। मैं मरा। सो दोबारा आ चुके हैं गाइस हम, तो सामान लेके तबाही, और फिर से मैं ढूंढना ब्रदर स्केलेटन्स को। मुझे कहीं मारा था कोई तो मिल जा भाई, कभी कोई भी नहीं मिलता। ओके मुझे रास्ता देख सकते हो मुझे क्या क्या मिल चुका है, मतलब बाकी तो मेरी इन्वेंटरी में है चीज़ें। ओ ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो, ओके गाइस तो मुझे मिला क्या किसी ने दिया, नाइस गाइस थ्री हो गया तबाही। और एचपी रीजन उन्होंने गए थे, इंतज़ार करते हैं अभी गए, हम भी निकलते हैं अभी काम करने गए थे बाकी, अब नज़र आ रहे हैं भर भर के, अब तीनों हो गए तो वरना नज़र ही नहीं आना था इन्हें तो। सो गाइस मेरे ख्याल से चलना चाहिए, फाइनली गाइस आ गए हम बहुत ज़्यादा मुश्किलों मेहनतों के बाद, और मैं सारा सामान घूम गया था बहुत ही मुश्किल के साथ, घर हम लाए हैं। एंड बस ये सबसे पहले तो यार मुझे मेरा आर्मर दे दो, ये आर्मर ना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बन के घटिया है, ठीक है। सो मुझे मेरी पेंट वापस दे दो, मुझे मेरी चेस्ट प्लेट वापस दे दो। उफ भाई अब मिला ज़रा सुकून यार, ठीक है सब फाइनली लिया है, लेकिन क्योंकि जो हम करना चाहते हैं वो हम करके रहते हैं। गोल्ड ब्लेज और क्या ही क्या लाया हूँ मैं भाई, भरो भाई अभी सही भरो, ये भी सही नदर की चीज़ें होती हैं। मैं फायर ब्रिटिंग का पोस्टर ले गया था, फायर से कहते हैं ड्रेनेज होता है नहीं, बिकॉज हम खुद ही फायर हैं तो बात तो यही है ना। और स्पेस कम करने के लिए गए थे, लेनी पड़ेगी स्वॉर्ड्स, हम कर देंगे कम्बाइन। ये बन गई एक स्वॉर्ड, और जो कम्बाइन करेंगे तो एक बन जाएगी ये वाली, और इसको सोबर करेंगे तो हमारे पास एक फुल स्कोर स्पॉट आ जाएगी। ओके गाइस सो मेरे ख्याल से मुझे एपिसोड यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, हाँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मिलते रहेंगे तब तक के लिए, बाय बाय।